मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. ओपन योर बुक्स ऑन पेज नंबर 50. सो इन प्रीवियस वीडियो वी विल डिस्कस टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एज वेल एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. सो द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन कॉजेज अ लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कंपेयर टू दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. सो कितने ना कितने साढ़े को जो प्योर सॉल्वेंट है वह जो फ्रीजिंग पॉइंट 0°C है, इफ वी एड अ पर्टिकुलर नॉन वोलाटाइल सल्यूट इन दैट, इट डिक्रीज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट. सो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स टू डिक्रीज the freezing point of a particular solvent when we add a non-volatile solute in it to make a solution. So we know that the freezing point at the freezing point of substance, the solid phase is in the dynamic equilibrium with the liquid phase. So at freezing point substance te jada solid phase hai wo dynamically equilibrium te hunda with the liquid phase te. Means jitne number of solid liquid change ho rahe hunne ji लिक्विड सॉलिड दे विच चेंज हो रहे हैं. ठीक है, इक्वल डायनेमिक तो सी पढ़िया हुआ, इक्विलिब्रियम डायनेमिक नेचर पढ़ी हुई है कि कंटीन्यूअसली साडे को जिहड़ियां चेंजेस ने आउंदियां ने. सो दस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सबस्टांस मे बी डिफाइंड एज द टेंपरेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ सबस्टांस इन इट्स लिक्विड फेज इज इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेज. सो इट्स अनदर डेफिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कि जोड़ा वेपर प्रेशर है साढ़े को लिक्विड फेज का, दैट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेज एट दैट टेंपरेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सबस्टांस. So a solution will freeze when its vapor pressure equal to vapor pressure of pure solid solvent as is clear from figure 2.8. So saade ko jada solution hai wo freeze karuga jado oda vapor pressure equal to vapor pressure of pure jada solid solvent hai ode equal ho gaya. So eh tode ko graph to clear hai, saade ko eh vapor pressure hai, eh temperature in kelvin hai, eh tode ko liquid solvent hai, ये थोड़े को लिक्विड सॉल्वेंट है. सो इत्थे थोड़े को जिहड़ा फ्रीजिंग टैंपरेचर है टी एफ नॉट है सॉल्वेंट का, इत्थे थोड़े को फ्रीज हो गया ते जिहड़ा सल्यूशन है वो इत्थे आके फ्रीज होया इस टैंपरेचर ते टी एफ ते. सो देर इज़ अ डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन सल्यूशन, दैट इज़ कॉल्ड डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ वैन वी एड अ नॉन वोलाटाइल सल्यूट इन इट. So according to Rod's law, when a non-volatile solid is added to the solvent, its vapor pressure decreases. So now it would be become equal to that of solid solvent at lower temperature. So साढ़े को वेपर प्रैशर इस टैंपरेचर पर जाके ये वेपर प्रैशर के इक्वल आया. ठीक है, तो उस टैंपरेचर असी की कहोंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिहड़ी ये डिक्रीज आई है साढ़े को फ्रीजिंग टैंपरेचर. सो डेल्टा टी एफ है, सो जिहड़ा उहदा फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर दिंदा. सो टी एफ नॉट एज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, टी एफ बी इट्स फ्रीजिंग पॉइंट वैन नॉन वोलाटाइल सल्यूट इज डिजॉल्व इन इट. सो देर इज अ डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ विच इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. Similarly, to elevation of boiling point, depression of freezing point, delta TF for dilute solution, idle solution is directly proportional to molality or M of the solution. जिमें साडे को elevation in of boiling point सी, साडे को उसे तरह जिहड़ा decrease in freezing point है, that is also directly proportional to molality of the solution. So delta TF equal to KF into molality. So what is KF? It is a freezing point depression constant or molar depression constant or kyroscopic constant, and the unit of KF is Kelvin kilogram per mole, Kelvin kilogram per mole. So when M equal to 1, at that time delta TF becomes equal to KF. So it is a definition of KF के जो मोलैलिटी साढ़े को सोल्यूशन की 1 molar है उस टाइम पर डेल्टा टी एफ बिकम्स इक्वल टू के एफ. नैक्सट वैल्यू ऑफ के एफ फॉर सम कॉमन सॉल्वेंट इज गिवन इन टेबल 2.3 विच इज बॉटम ऑफ द टेबल पेज. सो इफ W2 gram ऑफ सल्यूट हैविंग मोलर मास M2, सो नाउ वी प्रूव दैट डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. सो फ्रॉम हेयर
If W2 is a gram of solute having molar mass M2, present in W1 gram of solvent produces the depression and freezing point delta TF of solvent, then molality of solute is given by equation 2.31. So M equal to W2 over M2 over W1 over 1000. So it becomes W2 into 1000 over M2 into W1, M2 into W1. So delta TF is equal to KF into W2 into 1000 over M2 into W1. So this is your equation, mathematical equation. So M2 is equal to KF W2 into 1000 over delta TF into W1. So this depends upon molar mass of solute. So if it depends upon molar mass of solute, it means it is a colligative property. So thus we determine the molar mass of the solute, we should know that quantity W1, W2, delta, TF, KF the value at a particular temperature se fix hogi. So the values of KF and KB which depend upon the nature of solvent. So KB te KF asi calculate karde hain, odi jehdi value that depend upon the nature of solvent which can be ascertained from the following relation, which we can obtain from these two relation. KF is equal to R into M1. R की है गैस कॉन्स्टेंट, into M1 इज़ अ मोलर मास ऑफ सल्यूट, TF स्केयर मीन्स फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट ओवर 1000 into enthalpy of fusion, क्योंकि सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू सॉलिड साढ़े को enthalpy of fusion आ जाती है, सो उन्होंने असं कह दें चेंज इन enthalpy of fusion. इस तरह के बी लिए साढ़े को enthalpy of vaporization ते boiling temperature आ जाना सॉल्वेंट का. सो इस वे असी के बी तो के एफ कैलकुलेट कर सकते हैं. सो हेयर आर एंड M1 स्टैंड टू गैस कॉन्सटेंट एंड मोलर मास, सो यदी वैल्यू 8.314 असी ले सकते हैं. सो TF एंड TB डिनोट अ फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉयलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, सो रिस्पेक्टिवली इन केल्विन. सो फर्दर दीज आर दी एन्थैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन ऑफ दी सॉल्वेंट. सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट दी KB एंड KF फॉर अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट इफ वी नो दी एन्थैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ दैट सॉल्वेंट. क्लियर? सो दीज आर दी वैल्यूज ऑफ सम कॉमन सॉल्वेंट्स KF एंड KB, फ्रीजिंग टेम्परेचर एज वेल एज KB एंड KF एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. क्लियर? So no need to memorize it. So this these values of KF and KB given in numerical. Now we solve the numerical related to depression of freezing point. So 45 gram of ethylene glycol C2H6O2 is mixed with 600 gram of water. So 45 gram ethylene glycol hai, that is mixed with 600 gram of water. Means it's a W1. It's a W2. So calculate the freezing point depression and the freezing point of the solution. First we can calculate the molality, then we calculate the delta TF. So depression in freezing point is related to molality. So of the solution ethylene glycol, moles of ethylene over mass of water in kilogram. So 5 gram over 62. First we calculate the number of moles of solute. So given weight over molar mass, 12 into 2, 24 plus 6 plus 32. So it becomes 62. So number of moles of ethylene glycol is 0.73 mole and mass of water in kg, 600 gram over 1000 kilogram per kg, that is equal to 0.6 kg. So molality becomes ethylene glycol is 0.73 mole over 0.60 kilogram. So it becomes 1.2 mole per kg. So the molality of the ethylene glycol is 1.2 mole per kg. Ke 1.2 mole jade hai ne per kg of solvent as it dissolved. So therefore freezing point depression means delta TF value. So KF value is equal to 1.86 Kelvin kg per mole for water. So into 1.2 mole per kg. So multiply it becomes 2.2 Kelvin. It is 2.2 Kelvin. So first side ko freezing point depression kitna hai 2.2 Kelvin. A part. Now B part, freezing point of aqueous solution. So we subtract from 273.15 क्योंकि water का जो freezing point है 0 degree Celsius है. TF not minus TF.
ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 273.15 ਕੈਲਵਨ ਮਾਈਨਸ 2.2 ਇਟ ਬਿਕਮਸ 270.95 ਕੈਲਵਨ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ 270.95 ਕੈਲਵਨ ਕਲੀਅਰ So you do practice of this second miracle and next is what are anti-freeze solution so which lowers down the freezing point of water or other substances that are called anti-freeze solution so what are anti-freeze solution so anti-freeze solution which lowers down the freezing point of water or other substance for example ethylene glycol And we use common salt or calcium chloride are used to remove snow from the road because it decreases the freezing point of water. Jaisi Jammu Kashmir di gal kariye ja hor kise state di gal kariye jithe sade ko snowfall hundi hai utthe radiator de vich kitna kite ethylene glycol vi add kiti jandi hai kyunki water jada oh 0 degree celsius te freeze ho janda hai is karke assi ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਂਟੀ ਫਰੀਜ਼ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਰੇਡੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਰੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਲੀਅਰ